इंडियन ऑटो सेक्टर में कुछ गाड़ियां ऐसी रही हैं जो एक बार लॉन्च हुई हैं और लॉन्च होने के बाद वो गाड़ियां मार्केट में छा गई हैं। उसी का एक परफेक्ट एग्जांपल है महिंद्रा स्कॉर्पियो, जो तकरीबन 20 साल पहले इंडियन मार्केट में लॉन्च हुई थी और लॉन्च होने के बाद आज भी इस गाड़ी को उतना ही पसंद किया जाता है। तो महिंद्रा स्कॉर्पियो के अंदर इन 20 सालों में टाइम टू टाइम बहुत सारे चेंजेस आए और गाड़ी को थोड़ा सा मॉडर्न बनाया गया, लेकिन आज की एसयूवी से कंपेयर किया जाए, क्योंकि आजकल जो एसयूवी हैं बहुत मॉडर्न आ रही हैं, बहुत नए फीचर्स आ रहे हैं, और उसके मुकाबले महिंद्रा स्कॉर्पियो थोड़ी सी आउटडेटेड लगती है। और इसीलिए महिंद्रा ने यह तय कर लिया है कि अब महिंद्रा स्कॉर्पियो का भी एक नया अवतार आने जा रहा है, जिसको 2022 के अंदर ही लॉन्च करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि इस नई महिंद्रा स्कॉर्पियो 2022 के अंदर क्या होने वाला है, क्या नए फीचर्स होने वाले हैं, कितने नए बदलाव होने वाले हैं, और ये गाड़ी कितने प्राइस के साथ आने वाली है, और सबसे बड़ी चीज़ कब आने वाली है। सारी डिटेल्स जानेंगे आज की इस वीडियो में मेरे साथ। तो मेरा नाम है फराज और आज हम लोग जानने वाले हैं सभी डिटेल्स महिंद्रा स्कॉर्पियो 2022 की। तो ये जो नई महिंद्रा स्कॉर्पियो होने वाली है, इसका इसलिए भी इतना इंतज़ार किया जा रहा है क्योंकि ये साल का सबसे बड़ा लॉन्च हो सकता है, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि गाड़ी जो है अब पूरी तरीके से बदल जाने वाली है, इसके पूरी तरीके से लुक्स बदल जाएंगे। जिस तरीके से स्कॉर्पियो आती थी उसके मुकाबले गाड़ी जो है बिल्कुल पूरी तरीके से नई होने वाली है। तो इसीलिए आइए पहले थोड़ा सा लुक्स पर नज़र डालते हैं कि भाई कितने चेंजेस होने वाले हैं इस महिंद्रा स्कॉर्पियो के अंदर। तो आजकल महिंद्रा की जो स्कॉर्पियो है वो काफ़ी बार टेस्टिंग में स्पॉट करी जा रही है, काफ़ी बार इंडियन रोड्स पर टेस्ट करी जा रही है, तो सामने आई ही जाती है। और स्पायशॉट्स को देखते हुए ये पता चल रहा है कि जो नई स्कॉर्पियो होने वाली है ये करंट जनरेशन मॉडल के कंपैरिजन में ज़्यादा बड़ी होने वाली है, ज़्यादा बड़े डायमेंशन दिखाई पड़ रहे हैं, और तो और गाड़ी ज़्यादा वाइडर भी दिखाई पड़ रही है, जिससे ये लग रहा है कि गाड़ी का जो बॉडी है वो थोड़ी सी बड़ी हो रही है, तो अंदर भी थोड़ा सा स्पेस बढ़ सकता है। लेकिन जहाँ पर शेप की बात आती है तो यही बॉक्सी शेप ही मिलने वाला है जो पहले स्कॉर्पियो में दिया जाता था, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि इस बॉक्सी शेप से गाड़ी को एक रगेड लुक मिल पाएगा जो महिंद्रा अपनी कार्स के अंदर देता है। लेकिन कहा यह जाए कि भाई गाड़ी के अंदर फ्रेम कौन सा मिलने वाला है, फ्रेम क्या चेंज होने वाला है गाड़ी का, तो देखिए फ्रेम तो चेंज होता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि इमेजेस से यही मालूम चल रहा है कि महिंद्रा इस बार भी अपनी स्कॉर्पियो के अंदर लैडर फ्रेम ही देने वाला है। लैडर फ्रेम जो होता है वो थोड़ा सा सॉलिड होता है, थोड़ा सा लैडर टाइप का फ्रेम होता है, जिसके अंदर आपको बहुत ही रगेड गाड़ियों के अंदर दिया जाता है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि इस लैडर फ्रेम चेसी के अंदर आपको थोड़ा सा और बॉडी वर्क दिखाई देने को मिल सकता है, जिस तरीके से महिंद्रा थार के अंदर दिया गया था, और इस गाड़ी की थोड़ी सी राइड कंफर्ट को थोड़ा सा और इम्प्रूव बनाया जा सकेगा, ताकि गाड़ी हैंडल करने में और हल्की महसूस हो सके। भाई नया अवतार है महिंद्रा स्कॉर्पियो का, तो लुक्स के अंदर तो चेंजेस होना बनता है, लेकिन अब जानते हैं कि भाई कितनी दमदार होने वाली है, इंजन में भी कोई चेंजेस होने वाले हैं या फिर वही आपको पुराना इंजन दिया जाने वाला है। आइए ज़रा इंजन पर नज़र डाल लेते हैं। और जहाँ पर इंजन की बात आती है तो महिंद्रा जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करता है, अपने ट्राइड एंड टेस्टेड ऑप्शंस को ही अपनी गाड़ियों के अंदर दे देता है। तो इसी तरीके से महिंद्रा स्कॉर्पियो 2022 के अंदर भी यही लग रहा है कि महिंद्रा स्कॉर्पियो में भी आपको 2 लीटर वाला टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन दिया जाएगा और 2.2 लीटर वाला डीजल इंजन दिया जाएगा, जो आपको XUV 700 और थार में देखने को मिल जाता है। तो इंजन तो सेम होने वाला है, आपको थार और XUV वाला ही इंजन आपको स्कॉर्पियो के अंदर भी मिलने वाला है, और गाड़ी दोनों ही ऑप्शन के साथ आने वाली है, पेट्रोल भी है और आपको डीजल भी मिलने वाला है। तो आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि भाई XUV वाला इंजन स्कॉर्पियो में कैसे दिया जा सकता है, तो इसका जवाब ये है कि महिंद्रा जो है एक थोड़ा सा एक स्मार्ट चीज़ खेलता है, और वो ये होता है कि वो अपने इंजन के अंदर 2 तरीके ऑप्शन दे देता है, मतलब जो बेस मॉडल होता है उसको इस तरीके से ट्यून कर देता है कि उसकी पावर कम होती है। और जिस तरीके से आपको XUV के अंदर दिखाई पड़ता है, XUV 700 के अंदर, कि आपको बेस मॉडल में 130 BHP की पावर मिलती है, और वहीं जो टॉप स्पेक वाले मॉडल्स होते हैं उसमें आपको अलग ट्यूनिंग मिलती है, जो आपको 160 से 170 BHP की पावर दे देते हैं। और वही चीज़ ट्रांसमिशन के साथ भी होती है, जहां पर आप लोगों को बेस मॉडल के अंदर 6 फीट वाला मैनुअल गियरबॉक्स दिया जाएगा, वहीं अगर आप लोग टॉप स्पेक मॉडल लेते हैं, आपको टॉप मॉडल लेते हैं, तो आप क्या वहाँ पर आपको 6 स्पीड वाला मैनुअल का भी ऑप्शन मिलेगा और 6 स्पीड वाला ऑटोमेटिक यानी टॉर्क कन्वर्टर का भी ऑप्शन दिया जा सकता है। लेकिन पेट्रोल इंजन की अगर बात करी जाए कि उसके अंदर क्या पावर फिगर्स होने वाली है, तो देखिए उस पर भी ज़्यादा क्लैरिटी नहीं मिल पाई है, लेकिन अगर एक्सपेक्टेड पावर की बात करी जाए तो उसके अंदर आपको तकरीबन 150 PS के आसपास पावर मिल सकती है। अब जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया कि भाई महिंद्रा स्कॉर्पियो जो है थोड़ी सी आउटडेटेड होती चली गई थी अपने फीचर्स को लेके, क्योंकि आजकल नई गाड़ियों में बहुत सारे एडवांस फीचर्स होते हैं, तो अब देखते हैं कि भाई महिंद्रा स्कॉर्पियो के अंदर कितना एडवांसमेंट आता है और कौन से नए फीचर्स आते हैं, ताकि अब ये क्या यंगस्टर्स की पसंद हो सकती है,
आइए जरा फीचर्स पे बात करते हैं। तो आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि भाई फीचर्स के मामले में कि क्या स्कॉर्पियो के अंदर आपको 4x4 का सिस्टम दिया जाएगा। तो देखिए अभी तक तो यही लग रहा है कि स्कॉर्पियो के अंदर भी 4x4 का सिस्टम दे दिया जाएगा और एक अलग से लो रेंज गियरबॉक्स भी दे दिया जाएगा, जिसको आप लोग डिफरेंट रेंज पे अलग अलग तरीके से यूज कर पाएंगे उसकी जरूरत के हिसाब से। तो जब महिंद्रा स्कॉर्पियो को रोड्स पर स्पॉट किया गया है तो एक जगह पर ये गाड़ी जो है वो एंडेवर के साथ भी पार्क होती हुई दिखाई पड़ी थी। तो ये लग रहा था कि गाड़ी का जो रोड प्रेजेंस होने वाली है वो कहीं ना कहीं एंडेवर की तरह होने वाली है, क्योंकि महिंद्रा स्कॉर्पियो जो है काफी बड़ी दिखाई पड़ रही है। लेकिन अगर डिटेल फीचर्स की बात करते हैं तो अब ये लग रहा है कि भाई गाड़ी का जो डायमेंशन है वो कई स्पॉट में डिफरेंट देखा गया है। तो इसके हिसाब से ये लग रहा है कि भाई डायमेंशनल चेंजेस की वजह से अब हो सकता है कि महिंद्रा जो है अपनी इस स्कॉर्पियो 2022 के अंदर 6 सीट वाला वर्जन भी दे दे, जिसके अंदर आपको कैप्टन सीट्स का ऑप्शन मिल जाए, जिस तरीके से आपको एमजी की हेक्टर में मिलता है। बाकी फीचर एडवांसमेंट की अगर बात करी जाए तो ये भी लग रहा है कि भाई महिंद्रा जो है अपनी इस गाड़ी के अंदर अब आपको 360 डिग्री का पार्किंग कैमरा देने वाला है, बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन देने वाला है जिसके अंदर अब आपको एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी मिलने वाली है, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स दिए जाएंगे और तो और सोनी का 3D साउंड सिस्टम भी आपको इस गाड़ी के अंदर अब दिया जा सकता है। बाकी इंटीरियर केबिन की जहां पर बात आती है तो भाई गाड़ी का जो इंटीरियर होने वाला है वो थोड़ा सा लग्जरी की तरफ जाने वाला है, क्योंकि गाड़ी अंदर से अब डुअल टोन में आने वाली है। कहा तो यही जा रहा है कि टैन और बरगंडी वाला जो लेदर सीट्स होने वाली है उस तरीके से गाड़ी को चेंज कर दिया जाएगा। बाकी सेफ्टी कंसर्न भी हमेशा स्कॉर्पियो की रही है कि भाई सेफ्टी रेटिंग्स अच्छी नहीं आती हैं, इसीलिए सेफ्टी फीचर्स बढ़ाने का भी महिंद्रा ने सोच लिया है। और उम्मीद है कि इस गाड़ी के अंदर भी आपको 6 एयरबैग्स दिए जाएंगे, ABS दिया जाएगा, रियर पार्किंग सेंसर्स दिए जाएंगे, स्पीड अलर्ट दिया जाएगा और भी कई सारे फीचर्स आपको दिए जाएंगे, जिससे महिंद्रा जो है अपनी गाड़ियों की सेफ्टी रेटिंग्स को, स्कॉर्पियो की सेफ्टी रेटिंग को और इम्प्रूव कर सके। तो फीचर्स, प्राइस और लुक्स वगैरह की तो बात कर ली, लेकिन अब बात करते हैं भाई मुद्दे की कि क्या प्राइस होने वाला है इस महिंद्रा स्कॉर्पियो का, कितने की पड़ने वाली है, बजट पर कितना असर डालने वाली है। तो जहां पर प्राइस की बात है तो इस महिंद्रा स्कॉर्पियो का जो प्राइस होने वाला है वो तकरीबन 12 से 18 लाख के बीच में हो सकता है, यही एक्सपेक्टेशन अभी तक लगाई जा रही है और पहले से थोड़ी सी कम भी हो सकती है। और अगर बहुत ज्यादा ही एडवांसमेंट होता है तो फिर नई गाड़ी पूरी तरीके से बदल जाएगी, तो फिर पैसा भी बदल जाएगा और पैसा भी बढ़ जाएगा। लेकिन एक्सपेक्टेशन यही लगाई जा रही है कि जो टॉप मॉडल होने वाला है वो तकरीबन 18 से 19 लाख तक जा सकता है। तो भाई देखिए जहां पर लॉन्च की बात है तो महिंद्रा जो है अपने लॉन्च को ज्यादातर अक्टूबर के मंथ में करता है, मतलब फेस्टिव सीजन के आसपास ही करता है। लेकिन इस बार लग रहा है कि महिंद्रा जो है अपने स्कॉर्पियो को जून के मंथ में ही या जुलाई के मंथ में ही इंडियन मार्केट में लॉन्च कर देगा। अब ये भी एक बड़ा सवाल है, इस पर कंफर्मेशन तो नहीं आई है कि भाई गाड़ी जून में लॉन्च होगी या फिर अक्टूबर में लॉन्च होगी, लेकिन यही दो बड़े महीने हैं जहां पर हो सकता है कि भाई महिंद्रा जो है अपने स्कॉर्पियो को 2022 को इंडियन मार्केट में आप लोगों के लिए लॉन्च कर दे। तो यही थी आज की शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो, जहां पर मैंने आपको बताया है कि ये महिंद्रा स्कॉर्पियो कब तक आने वाली है, ताकि महिंद्रा स्कॉर्पियो के चाहने वाले जो इंतजार कर रहे हैं वो थोड़ा सा और इंतजार कर सके, क्योंकि गाड़ी अब बहुत जल्द इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाली है। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और अगर आप लोग भी महिंद्रा स्कॉर्पियो 2022 का इंतजार कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा। और अगर आपने मोटोनॉमिक्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बटन दबा के मोटोनॉमिक्स को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहां पर इसी तरीके का इंफॉर्मेटिव ऑटो कंटेंट मिलता रहता है। और अगर आपने मोटोनॉमिक्स को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो नहीं किया है, तो अभी के अभी जाइए फॉलो करिए मोटोनॉमिक्स 1 डालकर मोटोनॉमिक्स को किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव ऑटो कंटेंट के साथ, तब तक के लिए ड्राइव सेफ, राइड हार्ड।